हाय गाइस, आज के मैं इस वीडियो में मॉर्बियस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पे बात करने वाला हूँ, जिसका लगभग 80-90% सीन लीक हो चुका है। वैसे आई नो कि मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मैं उस वीडियो में इसके हर सीन को एक्सप्लेन नहीं किया था। बस इतना कहा था कि वल्चर का कैरेक्टर मॉर्बियस मूवी को अपना टीम ज्वाइन करने के लिए कहेगा, लेकिन अब जो डिटेल आया है वो पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन को स्पॉइल करता है, जिसे मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही इसके डायरेक्टर ने भी इस मूवी से रिलेटेड कुछ स्पॉइलर दिए हैं, जैसे इस मूवी का यूनिवर्स कौन सा है और कौन सा स्पाइडरमैन उस यूनिवर्स में आता है। और बाय द वे, जो आप थंबनेल में इमेज देख रहे हो वो रियल है या फिर फेक, इस टॉपिक पे भी बात करूँगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट बनेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, दुआ मिलेगा। खैर, तो अब सीधे बात करते हैं टॉपिक पे। तो मॉर्बियस मूवी के अर्ली रिव्यू आने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसे मोस्टली क्रिटिक्स इस मूवी को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, और उन लोगों का मेन टॉपिक इसके VFX और स्टोरी का है, जो अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही वीक है। और इवन उन्होंने ये भी कहा है कि स्पाइडरमैन का रेफरेंसेस जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला था, वही मर्डर वाला ग्रेफिटी, उस सीन को इस मूवी से कट कर दिया गया है, और आई एम वेनम के रेफरेंसेस भी, और माइकल कीटन का जो भी सीन हमें इसके ट्रेलर में देखने को मिलने वाला था वो सब अब कट हो चुका है। जी हाँ, सोनी यहाँ पे मिसलीड किया है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन माइकल कीटन का वल्चर आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ पोस्ट और इन क्रेडिट सीन में, जिसे अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्रेडिट सीन की शुरुआत नोवी होम की एंडिंग से ही होता है, जहाँ पे पर्पल कलर का क्रैक आसमान में दिखाई देगा, जिसके बाद ऑटोमेटिक वल्चर MCU के प्रिजन से सीधे माइकल मॉर्बियस के यूनिवर्स में प्रिजन में चला जाएगा। लेकिन कुछ प्रूफ न होने की वजह से उसे रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने उस यूनिवर्स में कोई कांड ही नहीं किया है। और यहाँ पर ही पहला क्रेडिट सीन खत्म होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दूसरा क्रेडिट सीन स्टार्ट होगा, जिसमें मॉर्बियस अपने कार से कहीं जा रहा होगा, और जब वो डिजर्ट वाले एरिया में पहुँचेगा तो उसे कुछ नॉइस सुनाई देगा, और जब वो बाहर देखेगा तो वल्चर अपने पूरे सूट में होगा और उससे कहेगा कि मैं स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो। और यहाँ पर दूसरा क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। तो बेसिकली ये क्रेडिट सीन डालने का बस एक ही मोटिव है, कि लोगों को सिनिस्टर सिक्स का टीज देना, जिसमें लीडर शायद वल्चर हो, क्योंकि स्पाइडरमैन ने सबसे ज़्यादा अगर किसी का ज़िंदगी बिगाड़ा है तो वो वल्चर ही है। और एक और बात कि मे भी अगर वल्चर मॉर्बियस के यूनिवर्स में जा सकता है तो फिर मिस्टीरियो क्यों नहीं। और इसी की बेस पे एक र्यूमर आया है, जिसके अकॉर्डिंग मिस्टीरियो के सभी दोस्त इंक्लूडिंग मिस्टीरियो वो सब मॉर्बियस के यूनिवर्स में है, और सिनिस्टर सिक्स के इवेंट को मॉर्बियस वाले यूनिवर्स में ही दिखाया जाएगा। वैसे आई नो कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और इस सवाल का जवाब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में ही दिया जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सीक्वल मूवी है स्पाइडरमैन नोवी होम का, जिसमें स्पेल के साइड इफेक्ट तो जरूर होंगे, क्योंकि इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से वल्चर मॉर्बियस के यूनिवर्स में चला जाए। वैसे इस बात का आंसर तो मॉर्बियस मूवी के डायरेक्टर ने नहीं दिया है, पर जब उनसे ये पूछा गया था कि वेनम मॉर्बियस के यूनिवर्स से ही आता है या फिर किसी अदर यूनिवर्स से, तो डैनियल एस्पिनोजा ने कहा कि वेनम 1 और वेनम 2 दोनों मूवी मॉर्बियस के यूनिवर्स में ही सेट है। और जब उनसे स्पाइडरमैन के बारे में पूछा गया कि कौन से स्पाइडरमैन मॉर्बियस के यूनिवर्स से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बात का आंसर जल्द ही ऑडियंस को मिल जाएगा। तो भाई, सोनी वाले कुछ तो बड़ा सोच रखे हैं। और एक और बात कि मॉर्बियस एक सिंगल मूवी है, तो आप इसके सिक्वल वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि जब पहली मूवी की प्रिपरेशन बहुत ख़राब हो तो फिर दूसरा मूवी बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। खैर, आप फाइनली थंबनेल वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो भाई, रिसेंटली ये इमेज लीक हुआ है और कहा जा रहा है कि इमेज मॉर्बियस मूवी का है। तो जी नहीं, ये इमेज फेक है, क्योंकि मॉर्बियस मूवी में स्पाइडरमैन का कैमियोज नहीं होगा, तो नो डाउट कि इमेज फेक है, और कुछ लोग बस ऐसे ही मज़े के लिए ये इमेज पोस्ट कर देते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब भी सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल भी कर देना नोटिफिकेशन के लिए, नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सब रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।